और चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि बलरामपुर से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल रेवतपुर जंगल में मुख्य मार्ग पर हाथी दिखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लोगों को अब अलर्ट किया है। लकड़ी लेने जाने से ग्रामीणों को यहां मना कर दिया गया, चूंकि रेवतपुर जंगल में मुख्य मार्ग पर हाथी देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई थी और वहां पर मौजूद तमाम लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां ग्रामीण निवास करते हैं, उन सभी को अलर्ट किया गया। और ये कहा गया है कि फिलहाल कुछ समय के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए आप ना जाएं, क्योंकि एक हाथी मुख्य मार्ग पर विचरण करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट करने का काम किया है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां आपको बता दें कि वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है कि फिलहाल कुछ समय तक लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर रुख ना करें, क्योंकि इस समय जंगल में हाथियों का विचरण हो रहा है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को अलर्ट करने का यह काम शुरू किया है। और लोगों से यह अपील भी की जा रही है, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ये जंगल नजदीक है, और उन सभी ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि फिलहाल कुछ समय के लिए जंगलों की ओर रुख ना करें। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्य सड़क पर ये हाथी का विचरण करता हुआ वीडियो सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई।